फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सपोनेंट। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, एक नंबर जो है 3/5 होल टू द पावर 3। तो इसे हम करेंगे 3 × 3 × 3 और 5 × 5 × 5। तो इसे इंटू करके हमको मिलेगा 3 × 9 = 27 और 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। तो दूसरा हम करेंगे, तो दूसरा है 5/3 होल टू द पावर 2। तो इसे हम करेंगे 5 × 5 और 3 × 3, जैसे 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9। तो तीसरा करेंगे 2/3 होल टू द पावर 3, क्योंकि यह 3 है तो हम 3 × 2 करेंगे, जैसे 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 3। तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। तो अब जो मैं करूँगी वो थोड़ा टफ है, तो आप वो देख लीजिए। वो है निगेटिव का जो है −3/4 होल टू द पावर 4। तो क्योंकि यह निगेटिव है और यह पर, तो पहले हम लिख लेंगे −3/4 by 4 to the power 4। तो क्योंकि यहाँ इवन नंबर है, जब पावर इवन होता है तो अगर नंबर के बेस में निगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि पावर इवन है। जैसे हम यह देख सकते हैं 4 इवन नंबर है, तो यह का जो माइनस है वो हट जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो हम इसे लिख लेंगे 3 to the power 4 by 4 to the power 4। तो अब हम इंटू करेंगे 3 × 3 × 3 × 3 और 4 × 4 × 4 × 4। तो अब हमें मिलेगा, अब साइड में इंटू कर लीजिए, वो तो आपको आता ही होगा। तो हमें मिल जाएगा 81 और नीचे हमें मिल जाएगा 256। तो ये है एक। मैं दूसरा दिखा देती हूँ आपको, वो है −2/3 होल टू द पावर 5। तो हम यहाँ लिख लेंगे −2/5 by 3 to the power 5, क्योंकि यह पावर जो है वो ऑड है, तो ये जो माइनस है ये रहेगा, ये नहीं, ये पॉजिटिव नंबर नहीं होगा, क्योंकि यह ऑड नंबर है, पावर ऑड है, तो ये माइनस नहीं हटेगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे −2 × −2 × −2 × −2 × −2 और नीचे लिख लेंगे हम 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32 और आगे होगा माइनस, और 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 7, 3 × 7 = 21, 2 × 3 = 6, 7 = 8। तो 81 × 3, 3 × 3 = 3, 3 × 8 = 24। तो होगा 243। तो ये है हमारा एक्सपोनेंट। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर पावर ऑड है तो माइनस रहेगा, अगर पावर इवन है तो ये जो माइनस है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये था मेरा एक्सपोनेंट का शॉर्ट एक वीडियो, जो मैंने शॉर्ट वीडियो के साथ लिंक किया है। आप अगर शॉर्ट वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आके ये भी देख लीजिए, आपका कन्फ्यूशन क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। मैं ये R.S. अग्रवाल का बुक फॉलो कर रहा हूँ, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं सॉल्व कर दूँगी आपके लिए। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।